जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो ये फिजिक्स का दूसरा वीडियो है उष्मा, और यहाँ पर जितने भी मैं क्वेश्चन कराने वाला हूँ प्रैक्टिस सेट में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तीन क्वेश्चनों को अच्छे से आपको देख लेना है, और जितने भी प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमा दिया जाता है, तो बोतल जो होता है टूट जाता है, इसका कारण क्या है। तो ऑप्शन दिया गया है, पानी जमने पर फैलता है, या बी बोतल जो होता है हिमांक पर सिकुड़ती है, या सी दिया गया है बोतल के बाहर का तापक्रम अंदर से ज़्यादा होता है, या डी पानी गर्म करने पर फैलता है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका ए ऑप्शन सही है, पानी जमने पर क्या होता है, फैलता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब जल को आप ठंडा करते हो, मतलब बर्फ़ के रूप में उसे परिवर्तित करते हो, तो उसका क्या होता है, आयतन में प्रसार होता है। आयतन मतलब वॉल्यूम में क्या होता है, प्रसार होता है। तो क्या होगा, वो बोतल की दीवारों से टकराएगा, जिससे क्या होगा कि बोतल फटने लगेगा। तो इसका ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, 100 डिग्री सेल्सियस तापमान वाली वाष्प द्वारा उत्पन्न जलन उसी तापमान वाले पानी द्वारा उत्पन्न जलन से अधिक गंभीर होता है, क्योंकि वाष्प एक गैस होती है, या बी वाष्प द्वारा अधिक ऊष्मा दी जाती है, या सी दिया गया है वाष्प की गुप्त ऊष्मा, यहाँ गुप्त कर लेना, गुप्त ऊष्मा जल से अधिक होती है, या डी वाष्प की गुप्त ऊष्मा जल से कम होती है। तो इसका सी ऑप्शन सही है, वाष्प की जो गुप्त ऊष्मा होती है वो जल से अधिक होती है, और इसी कारण क्या होता है कि हमें ज़्यादा ज्वलनशील महसूस होता है। तो इसका क्या होगा, सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, पसीना मानव शरीर के लिए मुख्य रूप से सहायक है। तो ऑप्शन दिया गया है, शरीर का ताप नियंत्रित रखने में, या बी शरीर के जल की मात्रा संतुलित रखने में, या शरीर के विष पदार्थ निकालने में, या त्वचा के छिद्र से गंदगी दूर करने में। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है, सभी को पता होगा ये ऑप्शन सही है, शरीर का ताप नियंत्रित रखता है, और ये तो आप सभी को पता ही होगा कि क्या करता है, कि ये शरीर के टेम्परेचर को बनाए रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। चौथा क्वेश्चन है, किसी अवस्था में गीले कपड़े सबसे जल्दी सूख जाते हैं। तो किस अवस्था में गीले कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, देखिए ऑप्शन दिया गया है, 100% आर्द्रता, और आर्द्रता को इंग्लिश में ह्यूमिडिटी कहते हैं, या 60 डिग्री टेम्परेचर, मतलब इसमें 100% आर्द्रता हो और 60 डिग्री टेम्परेचर हो, या बी दिया गया है 100% आर्द्रता 20 डिग्री टेम्परेचर, या 20% आर्द्रता 20 डिग्री टेम्परेचर, या डी दिया गया है 20% आर्द्रता 60 डिग्री टेम्परेचर। तो सभी को पता होगा, जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा कपड़ा उतनी जल्दी सूखेगा, और आर्द्रता क्या होगा, आर्द्रता जितना कम होगा कपड़ा भी उतना जल्दी सूखेगा। तो देखिए इसमें आर्द्रता इसमें कम है और टेम्परेचर इसमें ज़्यादा है, तो इसका डी ऑप्शन सही है। और यहाँ पर देखो टेम्परेचर दोनों में सही है, बट इसका आर्द्रता ज़्यादा है, तो इसका क्या होगा, नहीं होगा। तो डी ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, पाँचवा क्वेश्चन, और वीडियो को लाइक कर देना यार, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ये सब टाइपिंग करने में मुझे बहुत टाइम लगता है, तो जिसकी वजह से वीडियो बनना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए वीडियो को लाइक कर दिया करो, नीचे कमेंट करके बताया करो कि वीडियो कैसी लगी है। आप सभी के टाइपिंग से मुझे मोटिवेशन मिलता है और मुझे अच्छे कुछ करने की चाह होती है, तो लाइक कर दिया करो। पांचवा क्वेश्चन है, सर्दियों में प्रातःकाल लोहे एवं लकड़ी के टुकड़े को छूने पर लोहे का टुकड़ा अधिक ठंडा प्रतीत होता है, क्योंकि देखिए ऑप्शन दिया गया है, लकड़ी के टुकड़े, लोहे के टुकड़े का ताप जो होता है लकड़ी के गुटके से कम होता है, या बी दिया गया है लकड़ी की तुलना में लोहा जो होता है ऊष्मा का अच्छा सुचालक है, या सी दिया गया है लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का खराब चालक है, या डी दिया गया है लोहे का टुकड़ा लकड़ी से भारी होता है। तो इसका देखिए कौन सा सही होगा, क्या है इसमें, देखिए लकड़ी जो होता है वो क्या है, ऊष्मा का कुचालक है, तो उसका ये होगा कि ऊष्मा उसमें जहाँ जितना जाए वो नॉर्मल ही रहेगा, बट लोहा जो होता है ऊष्मा का सुचालक है, गुड कंडक्टर है, तो उसका टेम्परेचर के हिसाब से उसका भी टेम्परेचर चेंज होगा। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी ऑप्शन सही होगा, लकड़ी की तुलना में
लोहा जो होता है ऊष्मा का अच्छा चालक होता है, अच्छा चालक मतलब सुचालक होता है, गुड कंडक्टर होता है, तो इसका बी ऑप्शन सही है। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर देना। छठा क्वेश्चन है, जब नरम बिस्किट को थोड़ी देर के लिए फ्रिज के अंदर रखा जाता है तो वो कुरकुरे हो जाते हैं क्योंकि ठंड के अतिरिक्त नमी बाहर आ जाती है, या बी ऑप्शन दिया गया, फ्रिज के अंदर आर्द्रता कम होती है इसलिए अतिरिक्त नमी अवशोषित हो जाती है, या सी ऑप्शन दिया गया है, फ्रिज के अंदर आर्द्रता अधिक होती है इसलिए अतिरिक्त नमी अवशोषित हो जाती है, या डी ऑप्शन दिया गया है, फ्रिज के अंदर दाब अधिक होता है जिससे अतिरिक्त नमी बाहर आने में मदद मिलती है। तो इसका देखिए बी ऑप्शन सही है। क्यों सही है? देखिए जो आपके फ्रिज आ रहे हैं उसमें क्या होता है कि आर्द्रता कम होती है, आर्द्रता अगर कम है तो क्या करेगा, वस्तु को ठंडा, वस्तु को क्या करेगा, बहुत जल्दी सुखा देगा, सुखा देगा। तो अगर बिस्किट गीला है तो उसको अगर रखोगे फ्रिज में तो वो सुखाएगा ना, तो इससे क्या होगा, इसका बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, सातवां क्वेश्चन है, स्वचालित इंजनों में कौन सा पदार्थ हिमरोधी के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो स्वचालित इंजन जो होते हैं उसमें कौन सा पदार्थ प्रयोग किया जाता है, इथेनॉल होता है कि एथिलीन ग्लाइकॉल होता है, मेथेनॉल होता है, या प्रोपिल अल्कोहल होता है? तो इसका बी ऑप्शन सही है, एथिलीन ग्लाइकॉल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, आठवां क्वेश्चन है, एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? तो ऑप्शन दिया गया है 37 डिग्री सेल्सियस, या 37 डिग्री फ़ारेनहाइट, या 98.4 डिग्री सेल्सियस, या 98.4 डिग्री केल्विन। तो ये तो सभी को पता होगा 37 के लगभग होता है डिग्री सेल्सियस में, 36.9 डिग्री सेल्सियस होता है शरीर का टेम्परेचर। अगर फ़ारेनहाइट की बात करें तो 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। तो ये होता है शरीर का टेम्परेचर। बुखार कितने डिग्री सेल्सियस पर होता है? तो 100.4 फ़ारेनहाइट जब हो जाता है तो हमें लगता है कि बुखार हो गया है। तो ये होता है, ये याद रहना चाहिए क्योंकि नॉर्मल है, और जो हमारा थर्मामीटर होता है तो उसमें फ़ारेनहाइट में ही मेज़र किया जाता है, तो ये सब याद होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, नाइन क्वेश्चन है, वायुमंडल हमारे ऊपर अधिक, बहुत अधिक दाब डालता है परंतु हम इसका अनुभव नहीं करते हैं क्योंकि, ऑप्शन दिया गया, हमारा रक्त वायुमंडल के दाब से अधिक, कुछ अधिक दवा दाब डालता है, या बी ऑप्शन दिया गया है हम इसके अभ्यस्त हैं, या सी ऑप्शन दिया गया है हमारी हड्डियां काफ़ी मजबूत हैं और इस दबाव को सहन कर सकती हैं, या डी ऑप्शन दिया गया है हमारे शरीर की सतही क्षेत्रफल बहुत बहुत छोटा है। तो देखिए इसका ये ऑप्शन सही है, ये मतलब हमारा रक्त वायुमंडल के दबाव से कुछ अधिक दबाव डालता है, ये होगा, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, दबाव रहेगा तो इसको सही कर लेना है, दबाव डालता है। तो देखिए इसको समझ लो, ये मतलब हुआ कि जो वायुमंडल है हमारे शरीर पर जो दबाव डालता है, और जो हमारे शरीर में रक्त है वो क्या करता है, शरीर अंदर से वो भी दबाव डालता है, और जो रक्त का दबाव है हमारे शरीर में वो बाहर के वायुमंडल से भी ज़्यादा वो दबाव डालता है। तो इससे क्या होता है कि हमारा शरीर का जो परत होता है वो नॉर्मल बना है, तो ये इसका मतलब होता है। सिर्फ आपको समझ लेना है क्योंकि ज़्यादा डीपली नहीं जाना है, आपको क्या करना है, क्वेश्चन ही करने, अगर पॉइंट समझ आता है तो उसको समझ लो बस। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, दसवां क्वेश्चन है, जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन होता है? ये दिया गया है, क्वथनांक बढ़ता है और हिमांक घटता है, भी है यहाँ पर कर लेना है, क्वथनांक बढ़ता है और हिमांक घटता है, या सी दिया गया है, क्वथनांक और हिमांक दोनों घटते हैं, या डी है, क्वथनांक व हिमांक दोनों बढ़ते हैं। तो इसका क्या होगा, ये ऑप्शन सही होगा, क्वथनांक बढ़ता है और हिमांक घटता है, तो इसको याद कर लेना है। नेक्स्ट 11वां क्वेश्चन है, गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहनना अधिक आरामदायक होता है क्योंकि, देखिए ऑप्शन दिया गया है, वे अपने ऊपर पड़ने वाली सारी ऊष्मा को परावर्तित कर देती हैं, या वे शरीर से स्थानांतरित होने वाली सारी ऊष्मा को विकसित कर देते हैं, या सी दिया गया है, वे पसीना सोख लेते हैं, या वे आँखों को शीतलता प्रदान करती है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है? ये ऑप्शन सही है, वे क्या करती हैं, वे अपने
ऊपर पड़ने वाली सारी ऊष्मा को परावर्तित कर देती है। इसी की वजह से अगर आप गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहनते हो तो क्या करता है, सभी ऊष्मा को क्या करता है, परावर्तित कर देता है, तो वो आरामदायक होता है। और सर्दियों में काले कपड़े क्या करते हैं, सभी ऊष्मा को अवशोषित करता है, तो वो हमारे लिए सूटेबल होता है, तो ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, 12वां क्वेश्चन है, मेघ रहित, मतलब ये मेघ रहित का मतलब बिना बादल के, रातों की तुलना में मेघाच्छन्न मतलब बादल जब हो, रातों की अपेक्षा गर्म होती है, क्योंकि बादल जो होते हैं, ऑप्शन दिया गया है, ठंडी लहरों को आसमान में पृथ्वी तक उतरने से रोकता है, या पी दिया गया, पृथ्वी से छोड़ी गई ऊष्मा को परावर्तित करती है, या सी दिया गया, ऊष्मा बनाते हैं और उसे पृथ्वी की ओर विकसित करते हैं, या डी दिया गया है, वायुमंडल में ऊष्मा का अवशोषण करते हैं और इसे पृथ्वी की ओर भेजते हैं। तो देखिए इसका कौन सा ऑप्शन सही है, इसका ए ऑप्शन सही है, देख इसका बी ऑप्शन सही है। देखिए कैसे ये सही है, देखिए पहले क्वेश्चन समझो, मेघ रहित मतलब बिना बादल के रातों की तुलना में, मेघाच्छन्न मतलब बादल जब होते हैं रातों की अपेक्षा गर्म होते हैं, कब मतलब गर्म होंगे, जब बादल रहेंगे आसमान में तब ज़्यादा गर्मी अनुभव होती है, अगर गर्मी है तो वो क्या करता है कि पृथ्वी की ओर छोड़ी गई जो ऊष्मा होती है वो परावर्तित कर देती है, फिर से रिप्लेस कर देती है, तो वो क्या होता है, नीचे ऊष्मा आएगा तो हमें गर्मी ज़्यादा अनुभव होगी, तो इसका बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, 13वां क्वेश्चन है, परम शून्य ताप क्या है, परम शून्य ताप क्या होता है, तो ये सभी को पता होना चाहिए। देखिए दिया गया है, किसी भी तापमान मापने का आरंभिक बिंदु होता है, या सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव ताप होता है, तो इसका बी ऑप्शन सही है, सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम जो संभव ताप होता है उसे परम शून्य ताप कहा जाता है। तो परम शून्य ताप कितना होता है, 0 केल्विन होता है, या सेल्सियस में बात करें तो -273.15 डिग्री सेल्सियस होता है, अगर फारेनहाइट में पूछा जाए तो, देखिए अभी तक फारेनहाइट में पूछा नहीं है, पूछ भी सकता है, तो वो होता है -57.67 फारेनहाइट, तो ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, 14 क्वेश्चन है, कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसमें ऑप्शन दिया गया है, तो इसका देखिए, एयर कंडीशनर और एयर कूलर दोनों तापक्रम नियंत्रित करते हैं, या बी दिया गया, एयर कंडीशन और एयर कूलर दोनों आर्द्रता नियंत्रित करते हैं, तो इसका बी ऑप्शन सही है, क्या करता है, एयर कंडीशन और एयर कूलर दोनों आर्द्रता को नियंत्रित करते हैं, तो जिसकी वजह से हमें गर्मी महसूस नहीं होती है, तो ये इसका बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, 15वां क्वेश्चन है, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि, तो देखिए ये तो सभी को पता होना चाहिए प्रेशर कुकर में क्या होता है, तो ये कमेंट करके आप बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा, और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, और जिनको PDF चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है।